नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आशा करूंगा आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम प्रीव्यू करने जा रहे हैं, बिल्कुल न्यू लॉन्चिंग है, वो है DJI का Mavic Mini 3 Pro के बारे में। और देखा जाए तो ये जो Mavic Mini जो 2 था ना, उसका सक्सेसर आया है। और अपग्रेडिंग की बात करो ना, इसमें बहुत अच्छा अपग्रेड फीचर्स आए हैं। और भविष्य में जब भी हमारे पास ये ड्रोन आएगा तो उसकी हम टेस्टिंग ज़रूर करेंगे। एंड दोस्तों, देखा जाए तो टेक्नोलॉजी डिवाइसेस छोटे होते जा रहे हैं और उसकी जो पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये जो एंट्री लेवल का जो ड्रोन आया है ना दोस्तों, ये आपके लिए कैसा होने वाला है। तो मिनी की बात करो तो मिनी की कुछ टेस्टिंग या फिर कुछ रिव्यू मैंने लिए हैं, हालांकि उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाए अपने स्टोर पे, बट अब से कोशिश करूंगा काफ़ी सारे चीज़ें ऐड करने की। तो आज हम इसका प्रीव्यू करेंगे और देखेंगे ये ड्रोन आपके लिए कैसा होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई, सबसे पहले हम कुछ इसके स्पेशल हाईलाइट फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इसका जो अपग्रेडिंग है ना, वो इसी पे बेस्ड है जो भी अपग्रेड होके आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वेट को लेके, वजन को लेके। तो DJI ने काफ़ी सोच समझ के इसको बनाया गया है। अगर मैं मिनी 2 की बात करूँ तो वो भी 249 ग्राम के नीचे था, और इस ड्रोन को भी बिल्कुल ध्यान में रख के बनाया गया है कि एंट्री लेवल है, तो जो कस्टमर है उनके फोटोग्राफर है जिनको यूज़ करने वाले ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो इसको भी 240 ग्राम्स के अंदर ही बनाया गया है। मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन है इससे तो थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से भी फ्री हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये 249 ग्राम्स के अंदर आता है तो आप कहीं भी इसको उड़ाए नहीं। आपको कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्ट एरिया जो होते हैं वहाँ पर आपको इसको फ्लाई नहीं करना है, बट ये कि जो बड़ी जो प्रॉब्लम थी ना, वो उतनी ज़्यादा है नहीं। तो वेट की बात करें तो 249 ग्राम्स है, बट देखिए आगे मैं एक ऐसे फीचर्स की बात करूँगा, एक ऐसे एक्सेसरीज की बात करूँगा ना, तो शायद ये जो 249 ग्राम्स जो वेट है ना, उसको भी ब्रेक कर जाए। तो चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। तो भाई, इस वाले ड्रोन में ना काफ़ी सही सेंसर दिया गया, मतलब यार इस एंट्री लेवल ड्रोन में इतना खास सेंसर। तो जो सेंसर का जो नाम है ना, मैं पूरा काफ़ी लंबा है तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, वो है ट्री डायरेक्शनल सेंसिंग सेंसर के नाम से ये दिया गया है, जो ड्रोन को खासकर ऊपर नीचे और आगे की साइड से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। मैं वीडियो में आगे प्रॉपर में इनको एक्सप्लेन भी करूँगा, अभी कुछ हाइलाइट्स फीचर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं वीडियो की बात करूँ तो जहाँ आप Mavic Mini 2 में 4K 30p रिकॉर्ड कर सकते थे, यहाँ पे आप 4K 60p भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब कि आप थोड़ा स्लो मोशन इफ़ेक्ट्स अगर लाना चाहते हो 4K में, 50% आप स्लो कर सकते हो। और वीडियो में यहाँ पे एडवांस दिया गया है कि आप 4K 30p में आप HDR का ऑप्शन भी दिया गया, HDR फुटेज आप ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैटरी को लेके, तो यहाँ पे देखिए एक एडिशनल, मैंने जैसे कहा था कि एक एडिशनल एक्सेसरीज ऐसी है जो कि बैटरी के वेट को इन्हेंस कर देगी, बढ़ा देगी। तो यहाँ पे बैटरी की अगर लाइफ की बात करूं तो रेगुलर जो बैटरी लाइफ है वो 34 मिनट्स की होती है नॉर्मली। Mavic Mini 2 में भी कुछ इतना ही आसपास था, 34 मिनट। तो दोस्तों, यहाँ पे एक एडिशनल बैटरी सेटअप भी दिया हुआ है, जिसके मदद से आप 34 मिनट्स का जो बैकअप है उसको आप 47 मिनट्स का भी बना सकते हो। लेकिन क्या है कि वेट की बात करो तो यहाँ पे वेट उस ड्रोन की बढ़ जानी है, फिर वो 240 ग्राम नहीं रहेगा और ऊपर हो जाना है, तो इसको भी थोड़ा सा बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब लाइटिंग कितनी हीटिंग है ना, क्या ही बात करो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला जो फीचर्स बताने वाला हूँ, बड़े ही कमाल का ऐड हुआ है इसमें। आप सभी को पता है कि सारे जितने भी गिम्बल है ड्रोन के, 3-axis स्टेबिलिटी उसमें आता है, बट इसमें क्या है कि अगर मैं इस गिम्बल की बात करूँ तो वर्टिकल मोड, मतलब मुंडी बिल्कुल घूम जाती है इसमें, तो वर्टिकल शूटिंग आप कर पाएंगे। मतलब आजकल जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, रील शॉर्ट जैसे वीडियोस को आप क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली, तो अच्छा कमाल का फीचर्स ऐड हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, और अच्छी बात है कि अब आप अपने सब्जेक्ट को सिंपली ट्रैक कर सकते हो और ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद मैं कुछ प्रॉपर इन जितने भी हाइलाइट्स हैं इनको एक्सप्लेन भी करूँगा और वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो चलिए फाइनली अब सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब प्रॉपर थोड़ा सा आपको डिटेल दिया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसर को लेके, जो कि एक 1/3 सेंसर आपको देखने को मिलता है। प्रॉपर 1 इंच का तो नहीं है, बट थोड़ा उसके इक्वल है, बट नहीं कह सकते प्रॉपर हम। तो यहाँ पे 48
एमपी का यहाँ पे सेंसर दिया गया है, और सबसे ख़ास बात है सेंसर की है ना, 48 मेगापिक्सल पे भी रॉ शूट कर सकते हो। मतलब अगर आप ऊंचाइयों से, हाइट से अगर आप फ़ोटो शूट कर सकते हो तो रॉ पे शूट कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यही नहीं, सेंसर में ड्यूल नेटिव ISO का भी सपोर्ट दिया गया है, जो कि दिन में तो आप उड़ाते ही हो ड्रोन आजकल, रात में भी आप नॉइस फ्री वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब ड्यूल नेटिव ISO से काफ़ी कमाल का नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है। और उसके बाद अब HDR मोड भी अब इसमें दिया गया है, मतलब आप शेडो एरिया और हाइलाइट्स एरिया में से डिटेल को प्रॉपर आप निकाल सकते हो दोस्तों। तो सेंसर में तो बड़ा ही कमाल का जो अपग्रेडिंग की गई है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो मिनी सीरीज़ है ड्रोन का, DJI ड्रोन के जो मिनी सीरीज़ है दोस्तों, वो काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है। तो ये इतना छोटा है कि ड्रोन आपके पॉकेट में आ जाएगा, मतलब बिल्कुल टाइट पॉकेट में नहीं, यहाँ अगर जैकेट वैकेट आपने पहन रखा होगा तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, वो आपके ईजिली आपके जैकेट में आ जाएगा। कॉम्पैक्ट लाइट वेट है, तो कैरी करने में भी नो प्रॉब्लम दोस्तों। जो कि अगर वेट की बात करो तो आपको पहले ही बता दिया है कि 249 ग्राम के नीचे है, और लेकिन अगर आप इसमें जो एडिशनल बैटरी जो पैक है अगर उसको आप अटैच करते हो तो शायद इसका वेट थोड़ा बढ़ जाए और शायद इसकी स्पीड भी थोड़ी कम हो जाए। तो आपकी मर्ज़ी है, 344 मिनट्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या फिर अगर कुछ लॉन्ग शॉट लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप उसको 47 मिनट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा उसकी स्पीडिंग कम हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब कुछ वीडियो फीचर्स की बात करते हैं जो कि रेगुलरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ड्रोन एक्चुअल में वीडियो फुटेज के लिए ही है। तो सबसे पहले हम बात करें 4K रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे जैसे कि आप Mini 2 में दोस्तों तो आप 4K 30p शूट कर सकते थे, यहीं पे आप इसमें 4K 60p शूट कर सकते हैं। मतलब आप अपने फुटेज को 50% स्लो कर सकते हो, इसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत 4K 60p में स्लो मोशन इफ़ेक्ट्स ला सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं फुल HD वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पे 120p सुपर स्लो मोशन का इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही क्रिएटिव लगता है दोस्तों। तो दोस्तों 4K 30p में एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि है HDR हाई डायनेमिक रेंज का सपोर्ट दिया गया है। तो उसमें आप शेडो एरिया एंड हाइलाइट्स एरिया में से प्रॉपर डिटेल को निकाल सकते हो, और जो डिटेल्स है ना वो शार्प आनी है और काफ़ी बढ़िया है। इसका सेंसर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड है अपने मिनी 2 के सेंसर से दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे अगर बिट रेट की बात करूँ तो यहाँ पे HDR आने से ऐसा कुछ नहीं है कि ये 8-bit से 10-bit रिकॉर्ड करता, नहीं, अभी भी ये 8-bit ही रिकॉर्ड करता है। और यहाँ पे अगर मैं सेंसर की बात करूँ तो आप, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि 48MB का जो सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का रॉ फुटेज भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया ये फीचर्स इसमें दिया गया है। और वीडियोस की बात करो तो यहाँ पे जो लोग सिनेमेटिक वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो उनके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो एक मोड दिया गया है वो दिया गया है सिने लाइक मोड्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। मतलब अगर इस मोड को आप एनेबल करते हो तो जो फुटेज रिकॉर्ड होनी है बिल्कुल फ्लैट में रिकॉर्ड होनी है, आफ्टर आप जब उसमें एडिटिंग करोगे, ठीक है, उसमें आप जो डायनेमिक रेंज हो गया या फिर कलर बूस्टिंग हो गया, डिटेल्स हो गया, आप प्रॉपर क्रिएट कर सकते हो। मतलब काफ़ी बढ़िया है ना, कितने नॉर्मल से ड्रोन में एंट्री लेवल की बात की जाए तो कंपनी या कोई भी कंपनी, A to Z कंपनी की बात करो दोस्तों, एंट्री लेवल पे कुछ भी भरपूर वो नहीं देती है, ताकि अगर उनके एंट्री मॉडल पे सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे तो बड़े मॉडल कौन परचेज करेगा दोस्तों। तो देखा जाए तो एंट्री लेवल पे काफ़ी अच्छे अपग्रेडिंग की गई है दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो में कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए दोस्तों, जैसे कि आप मास्टर शॉट्स अगर आप लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, हाइपर लैप्स जैसे मूवी फुटेज को आप रिकॉर्ड कर सकते हो दोस्तों, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट ट्रैकिंग की बात करूँ तो ईजिली आप अपने सिंगल सब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो। मान लीजिए किसी आप स्पोर्ट्स में या वाइल्ड लाइफ में अगर आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है जो सब्जेक्ट की मूवमेंट होती है काफ़ी फास्ट होती है, तो वहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद इसमें डिजिटल जूम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं 1.5x से ये जूम करता है, तो यहाँ पे डिजिटल जूम दिया हुआ है, ऑप्टिकल जूम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके सेंसर का मेगापिक्सल ही कम होंगे, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डिजिटल जूम कर सकते हैं आप अपने सब्जेक्ट पे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सेंसर की बात अब थोड़ी सी करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में जो हाइलाइट्स में आपको एक सेंसर की बात किया था, जो ट्री डायरेक्शनल सेंसिंग सेंसर के बारे में बात किया था, काफ़ी कमाल का सेंसर है। ये क्या करता है, जब भी अगर फ्लाई करेगा
तो ये अपने ऊपर की साइड, आगे की साइड और नीचे की और साइड, इसमें क्या होगा, सेंसर इसके एक्टिव होंगे, तो ये अपने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते रहेगा। उसके बाद आप उसमें बाईपास, ब्रेक, कुछ भी ऑप्शन लगाएंगे तो ये काफ़ी कमाल का ना छोटे जो ड्रोन है उसमें काफ़ी सारा सेंसर का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों उसके बाद अगर अगला सेंसर की बात करूँ तो APAS 4.0 का इसमें सपोर्ट दिया गया है। एडवांस पायलट असिस्टेंस सिस्टम की बात करूँ तो 4.0 का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ भाई साहब की ड्रोन इतना ज़्यादा मतलब एक्टिव रहेगा ना इस मोड पे, मतलब अगर सामने इसके कोई अगर ऑब्जेक्ट आ जाता ना तो उसे डिटेक्ट करेगा और खुद ब खुद रास्ता बना लेगा। तो दोस्तों क्या ही बात की जाए, टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट होती जा रही है और इतने छोटे से ड्रोन में इतना स्मार्टनेस है, मतलब वो ड्रोन खुद ही अपना रास्ता बना लेगी। अगर उसके सामने कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है तो दाएँ बाएँ वो सेंस करेगी, उसके बाद वो अपने रास्ते चल देगी। तो काफ़ी कमाल का इसमें सेंसर का फीचर्स दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके रिमोट कंट्रोलर के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके पास DJI Mavic Mini 2 का अगर रिमोट कंट्रोलर है तो गुड न्यूज़ ये है कि आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं Mavic Mini 3 Pro को, तो ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, मतलब नया रिमोट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक और एडवांस प्लस पॉइंट आपको देखने को ये मिलता है दोस्तों कि इसमें ऑलरेडी LCD दी हुई है। मतलब अब क्या होता था, पहले हम मोबाइल को कनेक्ट करते थे तो कई बार मोबाइल की बैटरीज या फिर कॉलिंग और भी काफ़ी सारे झंझट होते थे, बट इसमें डायरेक्ट LCD दिया हुआ है, लेकिन प्राइस इसके साथ ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसको प्राइस को लेके। आई थिंक जितने भी फीचर्स थे, एडिशनल फीचर, एक्स्ट्रा फीचर, अपग्रेडिंग फीचर्स, सारे को मैंने कवर करने की कोशिश की है, ऑलरेडी कवर हो चुका है। फिर देखेंगे इसके बाद भी कुछ अगर फीचर बचा होगा तो अगले वीडियो में उसको ज़रूर से ज़रूर ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्राइस को कि इंडिया पे आएगा तो क्या प्राइस होगा, उसका तो थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, शायद थोड़ा कम हो सकता है, शायद ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में ये बिलिंग पे तो मिलता नहीं है, ग्रे पे ये माल मिलता है। तो DJI का ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह अवेलेबल है। तो दोस्तों प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँगा तो जो इंडिया में इसकी प्राइसिंग कैलकुलेट करके होती है, क्योंकि ये डॉलर में होगा, तो यहाँ पे अगर आप Mavic Mini 3 Pro और अगर पुराना रिमोट कंट्रोल अगर लेना चाहते हैं Mavic Mini 2 का, तो यहाँ पे $759, मतलब कैलकुलेशन करें तो 60,000 के आसपास होता है। और यहाँ पे अगर आप नया कंट्रोलर के साथ अगर लेना चाहते हैं इस ड्रोन को तो $909 के आसपास, जो कि कैलकुलेशन करके 70,000 के आसपास आता है। और यहाँ पे अगर आप सिर्फ ड्रोन लेना चाहते हैं और मान लीजिए कि आपके पास Mavic Mini 2 का कंट्रोलर है तो $669 के आसपास, जो कि कैलकुलेशन करें तो 50,000 के आसपास होता है। और इसका कॉम्बो पैक भी है, कॉम्बो पैक मुझे प्राइस मिला तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस में देखा है जो कि $1,100 के आसपास है, जो कि कम से कम नहीं तो 90,000 के आसपास जो कैलकुलेशन करके आता है कॉम्बो पैक में, मान लीजिए 3 बैटरी और बहुत सारे प्रोपेलर और भी कुछ एक्सेसरीज एक्स्ट्रा होती है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया आपको पसंद आया होगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई अगर इंक्वायरी होगी तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा दोस्तों। वीडियो पे नए आए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं बनाते रहता हूँ दोस्तों, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाकर किसी वीडियो को मिस ना कर सको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक नए वीडियो में से जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।